हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम का जो प्रोफेशनल अकाउंट का लर्न अबाउट हाउ इट्स वर्क वाला स्टेप है, इसको आप किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंस्टाग्राम यूजर ये जो स्टेप है इसको कम्प्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ये जो स्टेप है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेप है, इसलिए जो है इस स्टेप को किस तरीके से कम्प्लीट किया जाता है मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ये जो वीडियो है ये आपको YouTube पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस स्टेप को कंप्लीट करने का YouTube पर किसी ने भी जो है वीडियो नहीं बनाया है। तो इसको किस तरीके से कंप्लीट करना है चले मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना ये हो कि आपको सबसे पहले अपना जो Instagram एप्लीकेशन रहता है, आपको सबसे पहले अपने Instagram एप्लीकेशन के अंदर चले जाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर Instagram एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ। Instagram एप्लीकेशन को ओपन कर देने के बाद आपका जो भी प्रोफेशनल अकाउंट होगा यहाँ पर सिलेक्ट होगा, अगर नहीं सिलेक्ट हुआ तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर देने के बाद आपको प्रोफाइल वाला आइकन के ऊपर को टैप करना है, देन यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद ऊपर आपको जीरो ऑप्स जो है देख सकते हैं, सेवन स्टेप कंप्लीट देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर जो सबसे स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं सबसे नीचे वाला जो स्टेप है लर्न अबाउट हाउ इट वर्क का, ये जो स्टेप है इसको कंप्लीट नहीं कर पाए बहुत सारे इंस्टाग्राम यूजर। तो इसको कंप्लीट करने के लिए बेसिकली इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। देन यहाँ पर बूस्ट गाइडलाइन में यहाँ पर आपको जो चार वीडियो मिलता है, आप अपने पोस्ट को जो किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दिया गया हुआ है। तो आपको नीचे वाला जो ऑप्शन है बूस्ट योर पोस्ट का, इसके ऊपर आपको सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर चूज मीडिया में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, पोस्ट का और स्टोरी का। आप पोस्ट भी कर सकते हैं, बूस्ट पोस्ट भी कर सकते हैं, बूस्ट स्टोरी भी कर सकते हैं। तो आप अगर पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर पोस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन नीचे आपको क्रिएट पोस्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो क्रिएट पोस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपका जो कैमरा है यहाँ पर आपका जो गैलरी है ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आपको किसी भी एक फोटो को जो है सबसे पहले सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक फोटो को जो है सिलेक्ट कर देता हूँ। फोटो को सिलेक्ट कर देने के बाद आपको ऊपर जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस नेक्स्ट वाला ऑप्शन को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अगर म्यूजिक को ऐड करना चाहते हैं तो म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, इफेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है म्यूजिक को ऐड कर देने के बाद। उसके बाद आपको राइट के ऑप्शन में यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लोकेशन दे सकते हैं और आप टैग भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑडियंस यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑर्डर यहाँ पर अगर आपका कोई शॉप होगा, शॉप के रिलेटेड आप जो पोस्ट डाले होंगे तो आप यहाँ पर ऑर्डर भी ये कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है बूस्ट पोस्ट का, इसको आपको इनेबल करना है। यहाँ पर डिसेबल होगा, इसको आपको इनेबल करना है। इनेबल कर देने के बाद आपको यहाँ पर शेयर के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। शेयर के ऊपर आप जैसे ही क्लिक कर दें तो थोड़ा सा लोडिंग लगेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं बूस्ट पोस्ट में ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लग रहा है। प्रोसेसिंग लेने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट गोल्ड का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलता है, मोर प्रोफाइल विजिट का और मोर वेबसाइट विजिट का, मोर मैसेजेस का। तो अगर आप प्रोफाइल को जो है यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है मोर प्रोफाइल विजिट का, इस वाले ऑप्शन को टिक करना है। देन नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन ऑडियंस में सिलेक्ट यहाँ पर ऑडियंस में यहाँ पर आपको ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा, इसको आपको रहने देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपका यहाँ पर बजट दिखाई देगा, आप इसको जो है देख सकते हैं इसको यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं और कमा भी सकते हैं। सबसे जो है कम है यहाँ पर 84 रुपीज़ और सबसे ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हैं इतना रुपीज़ है 6 दिन का। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर डे का ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं डे का ऑप्शन मिलेगा। आप कितने दिन बूस्ट करना चाहते हैं हमने पोस्ट को, 30 डेज या फिर यहाँ पर 1 डे भी हो सकता है और 30 डेज मिनिमम जो है आपको यहाँ पर जो है देख सकते हैं 30 डेज के लिए मिलता है, मिनिमम जो है 1 डेज के लिए मिलता है और मैक्सिमम जो 30 डेज के लिए मिलता है। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लेना है। तो यहाँ पर मैं मिनिमम जो 1 डेज का करूँगा और सबसे कम जो है यहाँ पर 84 रुपीज़ जो करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन नीचे ही आपको मिल जाता है, तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन ये रिव्यू योर एड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एड बजट में यहाँ पर आपका प्राइस दिखाई देगा 84 रुपीज़। उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर GST देख सकते हैं 15 रुपीज़ दिखाई देगा। उसके बाद टोटल स्पेंड यहाँ पर जो है आपका 99 मतलब 100 रुपीज़ जो यहाँ पर आपका खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन दिया गया हुआ है। यहाँ पर बजट एंड ड्यूरेशन यहाँ पर 1 दिन का यहाँ पर 84 रुपीज़ बोल रहा है और यहाँ पर ये जो 15 रुपीज़ जो ये एक्स्ट्रा GST चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको नीचे एक ऑप्शन था बूस्ट पोस्ट का, तो बूस्ट पोस्ट वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका बिजनेस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप GST नंबर दे सकते हैं, उसके बाद आपका पैन कार्ड का नंबर दे सकते हैं, यहाँ पर बिजनेस नेम दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस में यहाँ पर जो एड्रेस लाइन 1 1 उसके बाद फिल कर देना है।
उसके बाद आपको यहाँ पर सिटी या फिर टाउन में आप बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पर दे देना, उसके बाद स्टेट को दे देना, उसके बाद पिन कोड को दे देना, उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सिलेक्ट होगा ऑटोमेटिकली ये देना देना। उसके बाद आपको सेव के ऊपर आपको क्लिक करना है, सेव के ऊपर आपको क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर मैं जल्दी से अपना जो स्टेट है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। सेव के ऊपर आपको क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको इस ये जो बॉक्स है इसको भी टिक मार्क करना है। उसके बाद सेव के ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर 99 अमाउंट जो है यहाँ पर आ जाएगा बॉक्स पर, और यहाँ पर एड फोन लिखा गया होगा, और यहाँ पर आपको जो है किसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर एड पेमेंट मेथड में यहाँ पर आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन मिलता है आपको, उसके बाद आपको यहाँ पर EMI भी कर सकते हैं 3 मंथ, उसके बाद UPI, गूगल पे, पेटीएम, फोनपे से भी आप कर सकते हैं, नेटबैंकिंग के से भी कर सकते हैं। तो आप जहाँ से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप उसको सबसे पहले सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर मैं अगर UPI से करूँगा तो यहाँ पर UPI सिलेक्ट कर दूँगा। UPI सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो वीडियो को आप यहाँ पर छोड़ के मत जाना, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये जो स्टेप है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेप है, ये जो स्टेप इसको पैसे देने से ही जो है कम्प्लीट हो पाएगा, ना वरना नहीं होगा। एयरफोन में यहाँ पर देख सकते हैं वेटिंग फॉर रेस्पॉन्स प्लीज वेट, यहाँ पर दिखाई देगा। तो उसके बाद फिर से आपका ये लोडिंग होकर पूरा एक्सेस होकर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा UPI के थ्रू अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो। यहाँ पर आप UPI एप्लीकेशन आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर पे ऐप, गूगल पे, फोनपे, भीम, पेटीएम, अमेजोन पे, व्हाट्सअप पे, सब दुनिया का सारा पे यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगा। तो आपको कोई से भी एक पेमेंट मेथड चूज कर, सॉरी पेमेंट का ऑप्शन जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना है UPI ID, यहाँ पर आपको अपना UPI ID को दे देना है। UPI ID को दे देने के बाद आपको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई आप जैसे ही कर देंगे तो आपके बैंक अकाउंट से जो है यहाँ पर 99 रुपीज़ जो कट, मतलब 100 रुपीज़ जो यहाँ पर कट हो जाएंगे, और आपका जो स्टेप होगा ये बहुत ही इजीली अपने आप जो कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पर बूस्ट पोस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, अगर आप ये स्टेप पर बूस्ट पोस्ट कर देते हैं तो आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, पर आपको 100 रुपीज़ जो है मिनिमम देना है, तब जाकर आप अपने ये जो स्टेप है इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं पैसे देकर ये जो स्टेप है इसको कंप्लीट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पैसा ही नहीं देना है, इसलिए जो है मेरा जो ये स्टेप है ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, आपका जो ये स्टेप है ये कंप्लीट होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपके लिए, तो आप यहाँ पर 100 रुपये देकर आप इस स्टेप को जो है बहुत ही ईजिली इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टेप को कंप्लीट करने का प्रोसेस ये था, आप इस प्रोसेस को फॉलो करके पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद ये जो स्टेप है आप रिफ्रेश करने के बाद आपका प्रोफाइल से ये जो स्टेप होगा ये रिमूव हो जाएगा, और ये कंप्लीट हो के रिमूव हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, और मेरा Instagram ID का लिंक है कमेंट बॉक्स पर, मेरा Instagram ID का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत सारा धन्यवाद।